हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप अपने यूट्यूब चैनल टीम फॉर विन में। आज हम रिव्यू करने वाले सेकेंड ओडीआई मैच जो कि नेदरलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में खेला जाने वाला है। क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो चलिए उसके बारे में हम बताते हैं। वेन्यू एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, टीम परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेयर परफॉर्मेंस, टीम न्यूज़ एंड प्लेइंग 11 रीसेंट फॉर्म, प्लेयर्स बैटल एंड मैचअप, सजेशन फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन और डिफरेंशियल पिक्स हमारे क्या रहने वाले, आज हम उस बारे में डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको पूरा एंड तक देखना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मैच डिटेल्स के बारे में। अब मैच के बारे में अगर हम बात करें तो नेदरलैंड वर्सेस आयरलैंड का सेकंड ओडीआई मैच खेला जाने वाला है। फर्स्ट ओडीआई मैच इसके पहले खेला गया है। वेन्यू के बारे में बात करें तो स्पोर्ट पार्क उट्रेच में मैच खेला जाने वाला है। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो डेट 4 जून जो कि कल है, दोपहर 2 बजे से खेला जाने वाला है। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो फैन कोड पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है, तो आप उसे वहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं। अगर हम बात करें दोनों ही टीम्स के स्क्वाड के बारे में, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। दोनों ही टीम्स का ऐसा कुछ स्क्वाड है, जस्ट फॉर एक आपके काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने ये आप तक शेयर किया है। रीसेंट फॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेदरलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में नेदरलैंड बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म से आ रही है। 5 में से सिर्फ 1 लॉस है और 4 विन है, तो आप देख सकते हैं कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है। और वही अगर हम आयरलैंड के बारे में बात करें तो ये आयरलैंड 5 में से 4 लॉस है, सिर्फ 1 विन है, तो आप देख सकते हैं कैसा इनका परफॉर्मेंस है। अभी कल के मैच में भी मुझे नेदरलैंड का पगड़ा भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि इनमें कुछ ऑलराउंडर अच्छे भरे पड़े हैं। अगर हम वही बात करें आयरलैंड के बारे में, तो आयरलैंड के पास भी अच्छे खासे ऑलराउंडर है, लेकिन जो फॉर्म एंड ऑल है वो ज़्यादा नेदरलैंड का मुझे फेवर करते हुए नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टीम न्यूज़ के बारे में, तो पहले नेदरलैंड के टीम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पी सीलर विल लीड द साइड, पी सीलर इनकी कप्तानी करते हुए हमें नज़र आएंगे। स्कॉट एडवर्ड विल डॉन द ग्लव्स, स्कॉट एडवर्ड इनकी विकेट कीपिंग करते हुए हमें नज़र आने वाला है। मैक्स ओवर्ड और स्टेफन माइबर्ग विल ओपन द इनिंग्स। बेन कूपर, दास डी लीडी एंड स्किपर पी सीलर विल बैट इन मिडल ऑर्डर। आप देख सकते हैं बेन कूपर, बास डी लीडी और स्किपर पी सीलर मिडल ऑर्डर में हमको बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले हैं। टीम वैन गुटन, फ्रेड क्लासेन, लॉग वैन बीक और ब्रैंडन ग्लोवर विल अटैक द बॉलिंग अटैक को ये लोग लीड करने वाले हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये कुछ शॉर्ट में टीम न्यूज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, किसका क्या रोल रहने वाला है इस मैच में वो हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं एक बार आयरलैंड के बारे में अगर हम वही बात करें तो एंडी बैलबराइन इनकी कप्तानी करते हुए हमें नज़र आएंगे। एल टकर विकेट कीपिंग करते हुए नज़र आएंगे। पोर्टफील्ड और यहाँ पर स्टर्लिंग ओपन करते हुए नज़र आएंगे। अब पोर्टफील्ड तो एक ठीक ठाक बल्लेबाज है ही, लेकिन पॉल स्टर्लिंग एक ज़बरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि हिट और मिस के तौर पर जाना जाता है। ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर इनका दिन रहा तो कल शतक भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इन्हें ड्रॉप करने का रिस्क हम नहीं लेने वाले हैं और ना ही कोई लेने वाला है। 90% सिलेक्शन है। ही इज़ अ डायनामिक प्लेयर, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है ये। अगर हम बात करें एंडी बैलबराइन, एच हेक्टर और जी डॉकरेल विल बैट इन मिडल ऑर्डर। अब देख सकते हैं ये तीनों ही मिडल ऑर्डर संभालने वाले हैं। सी यंग, जे लिटिल, बी मैकग्रेडी, एंडी मैकपरिन और सिमी सिंह इनकी बॉलिंग अटैक को लीड करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें तो सी यंग और जे लिटिल एक बहुत ही टैलेंटेड यंग बॉलर्स है, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ये रहने वाले हैं। देन फ्रेंड्स, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर प्लेइंग 11 के बारे में, तो ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 में आपके पास सामने शेयर कर रहा हूँ जो कि हमारे खुद के क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से हम लोगों ने बनाई है। इसमें चेंज होने के बहुत से चांसेस हो सकते हैं, 50% एक आध दो चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं, 50-60%। तो आप उसके ऊपर जज मत कीजिएगा, चेंजेस हो सकते हैं ज़रूर। अगर हम बात करें मैक्स ओवर्ड, स्टेफन मैकबर ओपन करने वाले हैं नेदरलैंड के लिए। वन डाउन बेन कूपर, पी सीलर जो कि यहाँ पर ऑलराउंडर की भूमिका हमें खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। बॉलिंग से लास्ट मैच में 3 विकेट चटकाए थे इन्होंने, हालांकि बैटिंग से ज़्यादा कुछ रन स्कोर नहीं कर पाए थे, बैटिंग में बिल्कुल ही फ्लॉप रहे थे, लेकिन इज़ अ बिग एंड डायनामिक प्लेयर। स्कॉट एडवर्ड्स इनकी विकेट कीपिंग करते हुए नज़र आएंगे। बास डे लीडे, लोगन वैन बीक, सकीब जुल्फिकर,
बी ग्लोवर, टीम वैन गटन और यहाँ पर फ्रेड क्लासन, ये कुछ इनकी प्रोबेबल 11 रह सकती है। एक चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनकी टीम से, अगर वो होता है तो हम हमारे ड्रीम 11 टीम में भी चेंजेस ज़रूर होने वाले हैं। और उसके अपडेट के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहा होगा, क्योंकि फाइनल टीम आपको सारे ही मैचेस और ऑल स्पोर्ट्स की वहाँ पर ही मिलने वाली है। आयरलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो एंड्रू बैलबरिन इनकी इनके तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जे लिटिल, जी डॉकरेल, सी यंग, पी स्टर्लिंग, डब्ल्यू पोर्टरफील्ड, हैरी हेक्टर, एल टकर जो कि इनकी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, सिमी सिंह एक प्रीमियम ऑलराउंडर है, गुड ऑलराउंडर है, लास्ट मैच में 45 रन बनाए थे और एक विकेट भी चटकाया, तो ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड मस्ट बी प्लेयर। एंडी मैकब्रेन और बैरी मैकगर्टी, ये कुछ इनकी प्रोबेबल 11 रहने वाली है। तो अपने दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल 11 देखी, मैंने आपको इसके पहले भी बोला है कि दोनों टीम से एक एक चेंजेस होने के फुल चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर कोई भी चेंजेस होगा तो हमारे ड्रीम 11 टीम में भी चेंजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसकी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो पेसर्स विल गेट मैक्सिमम रिवॉर्ड फॉर द एफर्ट इन इफ द बॉल स्टंप टू स्टंप लाइन, देर विल बी स्लाइट मूवमेंट ऑफ द पिच एज वेल, इवन बैटर विल गेट द वैल्यू ऑफ द शॉट इफ दे प्ले अकॉर्डिंग टू मेरिट, ओवरऑल इट्स अ बैलेंस विकेट एंड हुएवर विंस द टॉस शुड बैट फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं अब फास्टर्स जो कि पेसर्स हैं उनको अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है और जो बैट्समैन है उनको भी अच्छी खासी हेल्प मिलेगी, अगर वो देख के खेलते हैं अकॉर्डिंग खेलते हैं बॉल के तो उन्हें अच्छी खासी हेल्प और जो टिक्के खेलेगा उन्हें ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल एक बैलेंस पिच रहने वाला है। आगे हम बात करने वाले हैं डिसेंट क्या रहने वाला है फर्स्ट इनिंग और कैसा कुछ रहने वाला है, लेकिन उसके पहले अगर शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो फास्टर्स को अच्छी हेल्प मिलेंगी, बैट्समैन जो कि टिक्के खेले उनको एक अच्छी हेल्प मिलेंगी और ओवरऑल न्यूट्रल पिच रहने वाला है। देन फ्रेंड्स अगर हम बात करें एवरेज वर्सेस इकोनॉमी फॉर बॉलर्स एट उटरिच इन ओडिया के बारे में बात करें तो लास्ट 5 ईयर से आप देख सकते हैं यहाँ पर फास्टर्स को अच्छा खासा हेल्प मिला, जैसे कि ऊपर बताया मैंने, साथ ही साथ ऑर्थोडॉक्स को भी अच्छा खासा हेल्प मिला है। अब ऑफ ब्रेक को हेल्प तो मिला है इकोनॉमी में, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन इतने अच्छे रहे नहीं हैं और ना ही मीडियम इतने अच्छे रहे हैं। फास्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फास्टर्स यहाँ पर हर 20 रन देके एक विकेट ग्राब करते हैं, तो आप देख सकते हैं एवरेज 20 का है, ऑर्थोडॉक्स भी 25 रन देके एक विकेट ग्राब करते हैं। इकोनॉमी ऑर्थोडॉक्स की 4.5 है और फास्टर्स की 4.3-4.2 के आसपास है, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ। ये जस्ट फॉर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था फ्रेंड्स, जिससे आपको एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिले इसीलिए हम लोगों ने ये आपके लिए बनाया है। अब इसके लिए तो आप एक लाइक ज़रूर कर ही सकते हैं, ये ग्राफ है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए, मैंने आपको बता दिया है। देन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट एंड की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम फैंडर गुट्टन इज़ अ क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल हु हैज़ द एबिलिटी टू हिट लॉन्ग सिक्सेस एंड इवन बॉल्स एट गुड पेस। इन फर्स्ट ओडिया ही स्कोर 49 रन एंड पिक्ड 1 विकेट एट एन इकोनॉमी ऑफ 2.8। तो ये ऐसा प्लेयर है जो कि इस पिच में हमें काम आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त पेस, बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त चेक, प्लस लास्ट मैच में इन्होंने 49 रन स्कोर किए थे उसमें भी ज़बरदस्त फॉर्म में लय में नज़र आए थे। तो अगर ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंस देते तो बैट से अच्छा खासा होने वाला है और कल के मैच में कम से कम 1 से 2 विकेट तो निकालने ही वाले हैं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता, वैसे भी बोल सकते हो ये फैंटेसी है फ्रेंड्स, कुछ बोल नहीं सकता, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। तो हमारे प्रेडिक्शन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। देन अगर हम बात करें मैक्स ओवर्ड प्लेड सम गुड शॉट्स इन दिस शॉर्ट स्लिड एट क्रीज इन फर्स्ट ओडीआई, ही स्कोर 23 रन फ्रॉम 25 बॉल्स विच कंप्राइजेस 4 फोर्स। तो आप देख सकते हैं इवन ही वॉज इन गुड टच, 23 रन स्कोर किए थे, 25 बॉल में 4 चौके लगाए थे, लेकिन उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट करने को इन्हें जम नहीं पाया था और विकेट दे बैठे थे। वही अगर हम बात करें पॉल स्टर्लिंग के बारे में तो स्टर्लिंग आप सबको पता ही है, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ओवरऑल अच्छा खासा मतलब खेल रहे हैं ये, सारे टूर्नामेंट्स अटेंड करते हैं, ज़रूर खेलते हैं अभी, हालांकि इन्होंने PSL में पार्ट लिया था, वहाँ पर भी खेले थे, T10 में भी खेले थे, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है, हिट और मिस टाइप प्लेयर है, चल जाए तो 100-200 रन भी जड़ सकते हैं।
पॉल शेरिंग शो स्ट्रॉन्ग एट वन एंड इन फर्स्ट टूडे वाइल विकेट्स वेर फॉलोइंग एट द अदर एंड ही प्लेड एक्सट्रीमली वेल फॉर हिज 69 रन्स विच इन्वॉल्व 8 फोर्स. ही इज़ अ कैप्टनसी पिक फॉर योर फैंटेसी टीम्स. तो आप देख सकते हैं ये एक सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन रहने वाला है और ड्रीम इलेवन में 20-30% लोगों का सिलेक्शन है इनका कैप्टन वाइस कैप्टनसी में. तो आप देख सकते हैं किस तरह का प्लेयर है ये. सिमी सिंह ये एक मैंने एक अच्छा प्रीमियम ऑलराउंडर मानता हूँ. क्यों मानता हूँ? क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में एक तो अच्छी खासी 45 रन की पारी खेली थी, साथ ही साथ एक विकेट भी लिया था और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है विकेट बचा के खेलना जानते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया था आपको विकेट बचा के जो खेलेगा यहाँ पर उन्हें अच्छा खासा हेल्प मिलेगा. देख सकते हैं आप यहाँ पर जो विकेट बचा के खेलेगा उन्हें अच्छा खासा हेल्प मिलेगा. तो सिमी सिंह इज़ अ मस्ट पिक प्लेयर फॉर इज फैंटेसी टीम फॉर योर फैंटेसी टीम. इन फर्स्ट ओडीआई ही केम एट 69 फॉर फाइव स्कोर्ड 45 रन विच इंक्लूडेड 4 फोर्स विद बॉल ही पिक अप 1 विकेट एट एन इकोनॉमी ऑफ 2.8. इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं कैसा कम का था. 4 फोर जड़े थे, एक विकेट लिया था, 45 रन इन्होंने स्कोर किए थे. तो इज़ अ प्रीमियम ऑलराउंडर, कुछ ना कुछ करके आपको पॉइंट स्कोर करके देने ही देने वाला है ये प्लेयर. देन फ्रेंड्स अगर हम बात करें सम इंटरेस्टिंग बैटिंग वर्सेस बॉलिंग फेस ऑफ मैचअप्स के बारे में, तो मैचअप्स तो ऐसे बहुत सारे निकल के आए थे लेकिन इतने कुछ खास नहीं निकल के आए थे जितना मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लगा था. फ्रेंड्स क्यों इंटरेस्ट लगा था? क्योंकि मैचअप्स मैंने जब निकाले तो वहाँ पर जो मैचअप्स निकल के आ रहे थे वहाँ पर विकेट्स नहीं जा रहे थे. जो मैचअप्स निकल के आ रहे थे वो ऐसे थे कि बॉल फेस 24 रन स्कोर 2-3-4, तो उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं था. ये मैं मैचअप्स ऐसा बता रहा हूँ जहाँ पर विकेट निकले तो आपको एक ज़्यादा आइडिया आएगा, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा. तो आप देख सकते हैं एस माइबर्ग वर्सेस सी यंग के बीच में यहाँ पर एक फेस ऑफ हुआ था जहाँ पर 12 बॉल फेस किए थे, 5 रन ही स्कोर किया था और एक विकेट दे बैठे थे. तो यहाँ पर जो बॉलर्स थे उनका ही पगड़ा भारी था मोस्टली इस फेस ऑफ में सारे ही. सी यंग एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लास्ट मैच में भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इनिंग्स के विकेट्स लिए थे. BFW के बारे में बात करें, लीडी के बारे में, तो एंडी मैकब्रेन के भी साथ इनका मुकाबला हुआ था. 15 बॉल फेस किए हैं, 8 रन स्कोर किए हैं और एक विकेट लिया है इन्होंने. वही अगर हम बात करें पॉल स्टर्लिंग के बारे में, तो इनका PM सीलर के बीच में हुआ था इन दोनों के, तो बॉल फेस 36 था, रन स्कोर 30 था और एक विकेट गया था. अब पॉल स्टर्लिंग एक निडर बल्लेबाज है जो बिल्कुल भी डरता नहीं है, हिट और मिस करता है, कोई भी बॉलर रहें दो ही विल ट्राई टू स्कोर रन्स. पॉल स्टर्लिंग वर्सेस टी वैन गक्टन के बारे में बात करें, तो 23 बॉल्स फेस, 9 रन स्कोर और एक विकेट लिया है. अब देख सकते हैं टी वैन गक्टन एक ऐसा बॉलर है जो पॉल स्टर्लिंग जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर स्ट्रगल करने में लगा दिया. मतलब 23 बॉल में से सिर्फ 9 रन और एक विकेट चटकाया. मतलब ही इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड मस्ट पिक प्लेयर, आपके टीम में रहना ही रहना चाहिए. देन फ्रेंड्स अगर हम बात करें GS डॉकरेल के बारे में वर्सेस BD ग्लोवर के बारे में, तो बॉल फेस 12 रन एक स्कोर किया था, एक विकेट लिया था. तो आप देख सकते हैं डॉकरेल ने यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल किया था. तो आप देख सकते हैं ये कुछ मैचअप्स थे. अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. देन अगर हम बात करें सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन सी, तो यहाँ पर स्टर्लिंग सीलर और सिमी सिंह ये आपके नाम रहने वाले हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में, तो दे आर मस्ट पिक प्लेयर्स. देन अगर हम बात करें रिस्की कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑप्शन, तो मैकओवर्ड, एंडी मैकब्रेन और यहाँ पर सी यंग, इनमें से आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर कर सकते हैं रिस्की. अगर आप 4 मेंबर से ज़्यादा खेलते हैं, 4 मेंबर, 6 मेंबर, 10 मेंबर्स या GL मिनी GL, तो इनमें से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर कर सकते हैं. दे आर द रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन बट ऑल्सो मस्ट पिक प्लेयर इन SL. वही अगर हम बात करें फाइनल ड्रीम इलेवन टीम की, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दीजिए. 1,20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अगर आपने नहीं जुड़ा है तो अभी तक क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके जुड़ जाइए. एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ कैसा रिजल्ट रहता है हमारा, सब कुछ मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन ये टेलीग्राम का ऐप है, यहाँ पर आपको सर्च करना है टीम्स फॉर विन. जैसे ही आप टीम्स फॉर विन सर्च करोगे यहाँ पर आपको 1,00,000 ऑलमोस्ट 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स वाला चैनल आ जाएगा, उसको आपको क्लिक करके ज्वाइन कर देना है.
अब यहाँ पर ज्वाइन होने का फ़ायदा ये है कि हम लोग यहाँ पर सारे ही ऐप्स और सारे ही स्पोर्ट्स की ऑल मैचेस की टीम्स देते हैं और सब मैचेस कवर करते हैं। आप देख सकते हैं हैंडबॉल भी रेगुलर आ रहा है, सब कुछ रेगुलर आता है। अगर आपने अब तक ये ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत बड़े लॉस में चल रहे होगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेली बहुत से क्लीन स्वीप करते हैं और जो मैचेस की टीम प्रोवाइड करते हैं हम लोग उसके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये टीम ने हमारे मिनी जीएल तक स्वीप किया था। आप टीम भी एक बार देख सकते हैं, आगे उसके स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए हुए। तो जल्दी जाके जुड़ जाए, अगर आप वीडियो को पॉज करके जुड़ेंगे तो भी हमें चल जाएगा, लेकिन जल्दी जाके जुड़ जाइए इस पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ हमारा फ़िलहाल ड्रीम इलेवन का टीम बना है। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर एल टकर को लिया हुआ है, बैट्समैन सेक्शन से पॉल स्टर्लिंग को लिया हुआ है, मैबक को लिया हुआ है, मैकोवर्ट को लिया हुआ है, ऑलराउंडर सेक्शन से पी सीलर को लिया हुआ है, एंडी मैकब्रेन को लिया हुआ है, सिमी सिंह को लिया हुआ है, बॉलिंग सेक्शन से अमर मैंने टी वैंडर गुटन को लिया हुआ है, सी यंग को लिया हुआ है, एलवेन बिक को लिया हुआ है, जे लेटेल को लिया हुआ है। फ्रेंड्स, कैप्टनसी मैंने यहाँ पर पी सीलर को दिया हुआ है, वाइस कैप्टन से सिमी सिंह को दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी स्टर्लिंग को दे सकते हैं, जो कि सेफेस्ट रहने वाले इस मैच में, लेकिन हिट और मिस टाइप प्लेयर है, चल गए तो चांद तक वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा प्लेयर है। 30-40 रन भी स्कोर करके दे सकते हैं बीच में, तो इंपॉर्टेंट पिक ये भी बन सकता है। और अगर कर दिए बॉलिंग तो कर सकते हैं, पहले ऑलराउंडर सेक्शन में आते थे स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद से बॉलिंग इन्होंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर और एक ऑलराउंडर ले सकते हैं वैन बीक को ड्रॉप करके, और वाइस कैप्टनसी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर मैकोवर्ड को दे सकते हैं, यहाँ पर थोड़े से रिस्की चॉइस ये रहने वाले हैं, और सी यंग को भी आप दे सकते हैं, ये भी थोड़े से रिस्की चॉइस रहने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका जो चैनल को एक सब्सक्राइब करना और ये जो वीडियो को लाइक करना है, ये हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा आपके लिए। हम लोग और थोड़े से डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, सब कुछ आपके लिए एकदम ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वगैरह लाएंगे नेक्स्ट वीडियो से, अगर आपका लाइक वगैरह करते हो आप तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जो कि हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हैं आपके कमेंट्स ऑन ऑल। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड फाइनल टीम ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। हैव अ नाइस डे।